और एक दिन की फिर शुरुआत होती है ऑफिस में। ये देखो काना बहुत सीरियसली काम कर रहा है क्योंकि आज बहुत काम है। सब लोग अपने अपने केबिन में जाके घुस के बैठ गए काम करने, और यहाँ पे काना भी काम कर रहा है। और मैं तैयारी कर रही हूँ आज शाम के लिए भी, कि आज शाम को मुझे एक फंक्शन में जाना है। ये देखो फोन के कंपैरिजन चालू है यहाँ पे। पतला दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि काना हमेशा ना हमेशा के जैसा वैसे दिखेगा, एकदम मोटा पेट निकल गया है उसका। तो वो बोलता है कि आपका कैमरा खराब है, तो फिर मैंने दूसरा फोन लिया तो वो भी चेक कर रहा है। उसको लग रहा है ये शायद ये ये मैम आपका 10x है, ये 8x है, ये 5x है जूमिंग का। तो कौन सा बढ़िया है? वो भी अच्छा है, अच्छा है। आईफोन किस लिए, मतलब मैं जानना चाहता हूँ। कैमरा तो नॉर्मल है, इतना ये नहीं पर काना ना गोरा दिख रहा है इसमें। किसमें अच्छा है? हेलो फ्रेंड्स, ऑफिस में हो गई है शाम, पूरा दिन निकल गया दौड़ते दौड़ते। और क्या नाम है, और सबसे बड़ी बात है कि आज है नेहा के यहाँ पे फंक्शन और मुझे जाना है वहाँ पे। आज मैं दिखाती हूँ आपको मनीषा की मेहंदी। आज मनीषा की मेहंदी है और 2 दिन बाद शादी है, पर मेरे को जल्दी जाना था, जा नहीं पाई। देखते हैं आज आगे का दिन कैसा रहेगा। शाम हो गई है, आप देखिए रात हो गई है और मैं ऑफिस में ही हूँ अभी। तो मिलते हैं अब सीधा यहाँ से मेहंदी में। और ये देखिए मेहंदी में आ गए हैं, मनीषा एकदम रेडी है और सब लोग आ जा रहे हैं बार बार मेरे वीडियो के सामने। ये देखो सब बच्चे रेडी हैं, मनीषा के फ्रेंड्स लोग सब तैयारियां कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कोई कुछ मनीषा की पिक्चर्स खींच रहे हैं। मनीषा बहुत सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है। ये देखो ये फिर मेरे कैमरे के सामने कोई ना कोई आ ही जा रहा है, वीडियो बन ही नहीं पा रहा ठीक से। बट ये देखो नेहा की मम्मी रेडी हो गई हैं, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये पूरी फैमिली नेहा की, सिद्धू, बुआ जी, चाचा, ताया, सब बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पूरी फैमिली इकट्ठी है। ये मामी जी हैं नेहा की जो पिक्चर्स ले रहे हैं, तैयारियाँ चल रही, फैमिली मेम्बर सब इंजॉय कर रहे हैं। और ये मनीषा की मम्मी बेचारी बहुत ही जेंटल लेडी है, वो बार बार पे ही इमोशनल हो जा रही है मनीषा को देख देख के।
बोलो मनीषा मास्टर जी के लिए। अरे जाने दो, क्यों इमोशनल हो रहे हो? मैं बोल रही हूँ क्या मास्टर जी को क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहूँ कि बेटी को इतना अच्छे से गुड़िया जैसा बनाते और दो मिनट में पढ़ाया जैसा कर, याद भी नहीं करेगी आपको। बहुत याद करेगी। प्रिया और नेहा बहुत खुश है, कमरा कब्जा करके पूरा रखेंगे, खाली हो गया। नेहा क्या हो रहा है? प्रिया बहुत खुश, वो तो सोच रहे कि दीदी जाने दो मेरी जिम्मेवारी आ जाएगी, तो नेहा तो बहुत टेंशन में है। और आपके तो खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे। तो मनीषा फाइनली आज पिताजी नहीं है, आज बहनी है। तो मास्टर जी के लिए कोई मैसेज बोल दूं? देखो अभी मम्मी ने किसी बोला अपनी गुड़िया देंगे तो ध्यान रखना और कभी रोकना बस आने के लिए। बस धमकी है या मैसेज है ये? और यहाँ हो गई है नेहा की एंट्री। नेहा आ गई है मेहंदी लगा के और उसका काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। नेहा का शेड्यूल भी काफ़ी बिजी दिख रहा है मुझे, ये देखो। और ये नेहा के फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, मम्मी, उसकी बुआ, चाची, ताई, भाभी सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं। उनके साथ में पिक्चर लिया मैंने, ये देखो वो कुछ बोल रही उनकी मम्मी और सब हंसी मजाक चल रहा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। और ये नेहा आ गई है, मैं नेहा की खिंचाई कर रही हूँ कि नेहा क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। नेहा बिजी है, देखो अभी भी कंटिन्यू सारा कुछ उसके हाथ में था, मेहंदी लगा ली वैसे। ये देखो नेहा की मेहंदी अच्छी लग रही है। अब फाइनली यहाँ पर सब लोग ना अपनी अपनी मेहंदी लगाने की तैयारियाँ कर रहे हैं और मैं भी यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही हूँ। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट मेरी मेहंदी पे। ये मनीषा की मेहंदी लगा दी, मेरी मेहंदी बोल रही हूँ मैं। ये मनीषा की मेहंदी लग रही है और ये मेरी मेहंदी फाइनली नेक्स्ट डे। और इसी के साथ में मैं ये वीडियो एंड करती हूँ और अगले वीडियो में मिलेंगे सीधा शादी में। थैंक यू, बाय।